बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंदन प्लान पर फिलहाल अब ब्रेक लग चुका है। हसीना को बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के कारण सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने सुरक्षा की चिंता में बांग्लादेश भी छोड़ दिया और तुरंत भारत आ गई। भारतीय विदेश मंत्री अजय शंकर ने आज संसद को इस बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारत आने की अनुमति मांगी थी और शॉर्ट नोटिस पर भारत ने उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कर दी थी। शेख हसीना अभी भारत में हैं, लेकिन वह निर्वासन समय लंदन में बिताना चाहती हैं। इसके लिए उनकी ब्रिटिश सरकार से बातचीत हुई है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो सका। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने शेख हसीना को किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने शेख हसीना से कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो ब्रिटेन उनका बचाव नहीं करेगा। वहीं अंग्रेजों के इस रुख के बाद शेख हसीना ने दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। सोमवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने लंदन में कहा कि बांग्लादेश में बीते कुछ सप्ताह से जबरदस्त हिंसा का दौर देखा गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभूतपूर्व हिंसा के बीच जान माल की दुखद हानि देखी है और देश के लोग संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं। सूत्रों ने कहा कि हसीना की यात्रा योजना में कुछ अड़चन आ गई है और वह अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रह रही हैं। उन्होंने स्थिति को गतिशील भी बताया और कहा कि इस मामले में कोई निश्चित रास्ता या स्पष्टता नहीं है। हसीना ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह विरोध प्रदर्शन नौकरी में आरक्षण योजना के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद ये एक बड़े आंदोलन में बदल गया और उन्हें सत्ता से हटाने की मांग शुरू हो गई। इधर भारत ने शेख हसीना को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री अजय शंकर ने आज सर्वदलीय बैठक में बताया कि हसीना बांग्लादेश के घटनाक्रम से सदमे में है। हिंडन एयरबेस पर उनका प्लेन उतरने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया है। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार होता तो शेख हसीना लंदन के लिए उड़ान भर चुकी होती, लेकिन अब कम से कम दो दिन या उससे ज्यादा उनके भारत में ही रहने की उम्मीद है। दो दिन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वो लंदन जाएंगी या नहीं। अगर उन्होंने लंदन नहीं जाने का फैसला किया तो संभव है कि वो किसी दूसरे देश में शरण लेंगी, नहीं तो वह भारत में शरण लेंगी। भारत में शरण लेना कितना ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।